सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए सीए कोर्स रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए। हमारे कम्युनिटी सेक्शन को देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें मिलेंगे आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ मार्जिनल रिलीफ के बारे में। मार्जिनल रिलीफ सर एक बहुत ही टेढ़ा टॉपिक है, वैसे बहुत आसान है, लेकिन सर बुक्स में जिसे जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है ये लोगों के जो है होश उड़ा देता है। मैं कोशिश करूंगा सर आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझाने की। और आइए चलिए ज़रा देखते हैं क्या होता है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ को सर मैं दिखाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा सरचार्ज के बारे में कुछ बातें। सरचार्ज जो है सर आजकल दो कैटेगरी के हिसाब से लगता है, डिपेंड करता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। तो टोटल इनकम को गाइज मैं दो कैटेगरी में जो है डिवाइड कर सकता हूं। और पहली कैटेगरी है टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लाख बट अप टू 1 करोड़, एक्सीडिंग 50 लाख बट अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़, ठीक है। और उसके बाद की अगर गाइज मैं बात करता हूं तो टोटल इनकम जो है वो अपनी आएगी क्या अबव 1 करोड़। तो इन दोनों के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। अगर अप टू 1 करोड़ है तो जो सरचार्ज का अमाउंट होता है वो होता है 10%, और अगर अबव 1 करोड़ है तो जो सरचार्ज का अमाउंट होता है वो होता है 15%। इन दोनों ही केस में मार्जिनल रिलीफ की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपको अभी एक सिचुएशन में डालता हूँ फिर मैं आपको समझा पाऊँगा। अच्छा, अगर इनकम लेस देन 50 लाख है तो उसे सरचार्ज का सवाल ही नहीं है। मैं वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ, इनकम टोटल इनकम आई शुड से, ये मेरे पड़ोसियों का डॉग है, इसका नाम है सीबी, जो कि बहुत परेशान करता है मुझे, लेस देन 50 लाख, पड़ोसी से भी ज़्यादा परेशान करता है। लीजिए लेस देन 50 लाख, ओके। चलिए आइए बातचीत करना शुरू करते हैं सर यहाँ पे, अब एक एग्जांपल के थ्रू। और मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पे सर मैं आपकी जो है इनकम ले रहा हूँ 50,90,000, ये मेरी टोटल इनकम है। और याद रखिएगा टोटल इनकम की बात चल रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टोटल इनकम पता है क्या होती है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इनकम, इज इट जीटीआई माइनस डिडक्शन और इज इट एग्रीगेशन ऑफ इनकम अंडर ऑल दी हेड्स बिफोर क्लबिंग एंड सेट ऑफ। तो बताइएगा मुझे ज़रा, ठीक है, जीटीआई माइनस डिडक्शन होती है या क्या होती है। 50,90,000 की मैंने इनकम ले ली। अब मैं अगर गाइस इस पर टैक्स कैलकुलेट करना शुरू करूँ तो 2,50,000 पे मेरा टैक्स कितना बनेगा, कम ऑन टेल मी, निल बनेगा, ठीक है। देन 2,50,000 टू 5 लाख पे मेरा टैक्स कितना बनेगा, कम ऑन टेल मी, 5% बनेगा, यानी कि 2.5 लाख का 5% हो गया ये 12,500। थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्यूट कर रहा हूँ, साथ जोड़िएगा। देन 5 लाख टू 10 लाख पे मेरा टैक्स कितना बनेगा सर, वो बनेगा 10% के आसपास, राइट। सो 5 लाख पे हमारा 10% निकल गया, दैट इज, सॉरी 20% आएगा यहाँ पे, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सो सॉरी, 20%, तो यहाँ पे आ गया सर अपना 1 लाख, ठीक है। देन उसके बाद गाइज हमने बात करी 10 लाख से ऊपर की, तो 10 लाख से 50,90,000 के ऊपर, यानी कि जो डिफरेंस हो गया दैट विल बी 40,90,000, और उस पर जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 30%, और वो हो जाएगा हमारे लिए कितना, 12,27,000, 30% 12,27,000। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली, मैं भी आपको दिखाता हूँ क्या। अगर मैं अपना टोटल टैक्स देखूँ तो बन रहा है 12,527,000, तो टोटल टैक्स मेरा निकल के आता है 13,39,500। भगवान करे आप सबका टैक्स इतना हो, इससे भी ज़्यादा हो, इतना ही क्यों हो, ठीक है। अच्छा मेरी तरफ मत देखिए, मेरा कितना है, छोड़ दीजिए, 13,39,500। अब सर जी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी, और अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ। मैं इस पर लगाऊंगा सरचार्ज, क्योंकि सर मेरी तो इनकम जो है, सॉरी मेरा जो टैक्स है वो तो 50 लाख से ऊपर, इनकम जो है 50 लाख से ऊपर था टोटल इनकम। सरचार्ज एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 10%। जैसे मैंने ये काम किया मेरा सरचार्ज निकल के आ जाएगा इंटू 10% 133,950। लेकिन ये तो गलत है भैया, ये गलत है, क्यों, देखना मेरी इनकम बेचारी कितनी ऊपर गई थी, मेरी इनकम 50 लाख से कितनी ऊपर गई थी, इस बात को एनालाइज करेंगे, ये आपका बेस बनाएगा सर मार्जिनल रिलीफ का। मेरी इनकम 50 लाख से कितनी ऊपर गई थी, 90,000, लेकिन उसकी वजह से मेरे टैक्सेस कितने ऊपर चले गए, ज़रा ध्यान से देखिएगा,
133,950 प्लस 90,000 पे 30%, क्योंकि 30% ब्रैकेट में आ रहा था 27,000। ये बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरी 90,000 की इनकम बढ़ने से मेरे टैक्सेस जो हैं वो बढ़ गए 160,950। कितनी नाइंसाफ़ी है, अगर मेरी इनकम 50,00,000 तक ही रहती तो सर मुझे ये लाइबिलिटी जो है देनी ना पड़ती, मैं कितना खुश रहता। यानी कि मेरी इनकम बढ़ी है कम और मेरे टैक्सेस बढ़े हैं ज़्यादा, आह हा हा, मेरी इनकम बढ़ी है कम, मेरे टैक्सेस बढ़े हैं ज़्यादा। इस सेंटेंस को कंप्लीट करो शायरी राइमिंग वाली फॉर्म में, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरी इनकम बढ़ी है कम और टैक्सेस बढ़े हैं ज़्यादा, अब लगता है गवर्नमेंट का है कुछ नेक इरादा। आओ, अब गवर्नमेंट कहती है कि सर ये जो आपका डिफरेंस है ना, ये सही नहीं है, हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे के खुश करना चाहते हैं, मार्जिनल रिलीफ इज़ अ पॉजिटिव थिंग। अच्छा, अब मुझे देखना है कि साहब मेरी इनकम जो है वो कितनी बढ़ी है। बहुत सिंपल है सर, मेरी इनकम बढ़ी है 90,000, मेरे टैक्सेस बढ़े हैं 160,950। तो गवर्नमेंट कहती है इसमें से ना आपकी जो इनकम बढ़ी वो माइनस कर दो 90,000। 160,950 माइनस 90,000 इज इक्वल टू 70,950। गाइज, अब ज़रा ध्यान दीजिए, दिस इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। और आपको मैं क्या बताऊँ, बुक्स में सर ये बताया ही नहीं गया, बुक्स में सीधा सरचार्ज निकालना सिखा दिया है कि आपने मार्जिन रिलीफ के बाद सरचार्ज कैसे निकालना है। ये आपका मार्जिन रिलीफ का अमाउंट है, उसकी प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगी, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहले समझ लीजिए मैंने क्या किया, मैंने देखा मेरी इनकम कितनी बड़ी है, मैंने देखा उसकी वजह से मेरे टैक्सेस कितने बड़े हैं, और फिर उस बड़े हुए टैक्सेस में से मैंने अपनी बड़ी हुई इनकम को माइनस कर दिया तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा मार्जिन रिलीफ का। अब इसकी प्रेजेंटेशन देखिएगा कैसे करनी है, प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से और प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ बच्चों आपको कैसे करनी है, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी सिखाऊंगा और बुक में भी दिखाऊंगा कैसे इन्होंने कर रखा है। तो प्रेजेंटेशन करते समय सरचार्ज को आपने अंदर लिखना है इनर कॉलम में 133,950। आई होप इतना ही था, 133,950। अब इसमें से मैं क्या माइनस करने वाला हूँ, मार्जिनल रिलीफ, MR शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मार्जिनल रिलीफ वो आ रहा था 70,950। कैसे आया था मैं बता देता हूँ, मेरे टैक्सेस कितने बढ़ गए थे 160,950 और मेरी इनकम सिर्फ कितनी बढ़ी थी 90,000। तो 70,950 का मुझे क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ, और जो मेरा सरचार्ज अब रह जाएगा वो रह जाएगा 133,950 माइनस 63,000, दैट इज सॉरी 133,950 माइनस 70,950 इज इक्वल टू 63,000। लीजिए सर, ये जो है आपका सरचार्ज का अमाउंट आ जाएगा 63,000 आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, सरचार्ज आफ्टर MR, सरचार्ज आफ्टर MR। अब शॉर्टकट क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर शॉर्टकट, देखो ज़रा शॉर्टकट, जितनी आपकी इनकम बढ़ी है ना उसमें से 30% लेस कर दो, झकास। अगर आप देखें कि मेरी 90,000 की इनकम बढ़ी है, माइनस 30% अगर मैं उसमें से कर दूं तो भी आंसर क्या आता है 63,000। लेकिन याद रखिएगा उस केस में सीधा आपका सरचार्ज निकल के आ जाता है। मार्जिनल रिलीफ अगर पूछ लिया ना क्वेश्चन में, कंप्यूट दी मार्जिनल रिलीफ, तो ये टेक्निक काम नहीं आने वाली, फिर तो आपको यही टेक्निक काम आएगी कि मेरी टैक्सेस कितने बढ़े इनकम की वजह से और मेरी इनकम कितनी बढ़ी, राइट। आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ आ रही है, अगर समझ आ रही है तो वीडियो को थम्स अप दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रा तारीफें लिखिए कैसी लगी आपको ये वीडियो, सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ आपने समझा था या नहीं समझा था या किस तरीके से समझा था, ठीक है। तो ये हो गया सर अपना एक एग्जांपल जहां पे मैंने आपको दिखाया कि भाई मार्जिन रिलीफ जो है एक्चुअली में निकालते कैसे हैं। आप सरचार्ज चाहे तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं सर इस तरीके से, जितनी इनकम बढ़ी है उसमें से 30% माइनस कर देंगे तो हमारा सरचार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर मार्जिन रिलीफ निकाल के दिखाना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि मेरी टैक्सेस कितने बढ़े और मेरी इनकम कितनी बढ़ी, उसके बीच के डिफरेंस को मैं बोलता हूँ मार्जिनल रिलीफ, राइट। बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल। और अगर मैं इस पर थोड़ी और चर्चा करूँ तो मैं पता है क्या बताना चाहता हूँ, थोड़ा डिटेल वर्जन मैं बोलता हूँ सर, मेरी टैक्स, मेरी जो इंक्रीज इन इनकम है वो मैक्सिमम कितने टैक्सेस कवर कर सकती है, ध्यान से सुनिए, कब थोड़ा एडवांस लेवल की बात है, अंडरस्टैंडिंग। मेरी जो इंक्रीज इन इनकम है मैक्सिमम कितने टैक्सेस कवर कर सकती है, मेरी इंक्रीज इन इनकम कितनी थी 90,000, लेकिन भाई खुद इस पे ही 27,000 का टैक्स था, तो मेरी नेट पोस्ट टैक्स इनकम कितनी थी 63,000, ये मैक्सिमम कितने टैक्स कवर कर सकती है 63,000, तो भाई मैक्सिमम सरचार्ज भी कितना होगा 63,000, 63 बोलते हैं 63 को भाई जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, राइट। लीजिए, ये हो गया सर मार्जिन रिलीफ का एक क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं एक क्वेश्चन 1 करोड़ सुपर वाला भी करा के दिखाऊं तो मुझे नीचे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वैसे वो बिल्कुल सेम होगा, बस वहाँ पे सरचार्ज का अमाउंट जो है 15% है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ तो भाई मुझे बता देना, मैं कुछ कर दूँगा।
हम तो हैं ही आपकी सेवा में हमेशा के लिए, राइट। अच्छा, इसके बाद याद रखिएगा कि आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए कि राउंड ऑफ वगैरह कैसे करना है, ECS HEC वगैरह सब आना चाहिए। मेरा टारगेट यहाँ पे था कि मैं आपको निकालना सिखाऊँ सरचार्ज, ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो मैं आपको आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ। ये लीजिए जल्दी से, ये हमारा जो टैक्स आ रहा था 1339500, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1339500, सरचार्ज आ गया इसके ऊपर 63,000 का। तो अब मैं जो अपना टैक्स निकालूँ 1339500 प्लस 63,000, ये हो जाएगा मेरा 14,02,500। और इसके ऊपर मुझे EC और SHEC लगाना है। आई होप आपको याद है EC प्लस SHEC कितना परसेंट लगाऊंगा। अच्छा, कई बच्चे सोचे सर रिबेट, बेटा कैसी बातें कर रहे हो, चलो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ रिबेट की कंडीशन क्या होती है अंडर सेक्शन 87A, जल्दी से बताओ। 1402,500 इंटू 3% इज 4,207,500। हाँ जी, 4,207,500। अब मेरे सर टोटल टैक्सेस निकल जाएंगे, टोटल टैक्स पेबल, टोटल टैक्स पेएबल, ठीक है जी, 1402,500 प्लस 4,207,500। आई होप मैं सारे कॉम्पिटिशन सही कर रहा हूँ। 1,444,575, लो भाई, ठीक है। अभी भी इसमें एक कार्यक्रम बचा है, अब उसको सर आप क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। आई होप आपको राउंडिंग ऑफ आता है। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे राउंडिंग ऑफ का सेक्शन बताएं कि टैक्स पेएबल को जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो कौन सा सेक्शन लगता है इनकम टैक्स एक्ट का, जल्दी बताइएगा सर, राउंडेड ऑफ। और सर ये आ जाएगा 1,444,580। जी जरा सेक्शन बताइएगा मुझे, राउंडिंग ऑफ का कौन सा सेक्शन लगता है और कहाँ तक आप लोग राउंड ऑफ करते हैं, जल्दी से बताइए मुझे कहाँ तक आप लोग राउंड ऑफ करते हैं, मल्टीपल ऑफ रुपी व्हाट। ओके लीजिए सर, ये वीडियो हो गई है ख़त्म, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, एंजॉय कीजिए और सीखते रहें, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। बाय बाय, टेक केयर।